हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारी इवनिंग टी के साथ कंटिन्यू हो चुकी है। कल है करवा चौथ, तो अभी मेहंदी वाला आने वाला है। मेहंदी जो ये गोल गोल हाथ है वो भी कवर्ड हो जाएंगे बिल्कुल मेहंदी में। बाकी उसके बाद ये इवनिंग टी डिनर हम करेंगे। कल तो आपको पता है कल पास रहना है, मैंगो भी पास, मेरा भी पास, कल तो नहीं हो गए। तो कुछ आज ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाकी जो भी होगा हमारा ब्लॉग है वो आपको बताऊँ। तब तक एंजॉय करते हैं इवनिंग टी। इन आवर फेवरेट कप। हाँ, ये हमारा फेवरेट कप है और ये हम हमारी प्यारी सी स्टूडेंट ने दिया है और वो भी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी में। एज यू कैन सी, तो इस अच्छी इवनिंग को हम और अच्छा बना रहे हैं इस इवनिंग टी के साथ। स्टार्ट तो करो आप मेरा। आप एक बार घर बता दो ताकि हम लेने आ जाएंगे। नहीं नहीं भैया, आपने 7 बजे का बोला था। ये लोग मुझे 6 बजे से बोल रहे हैं हमारा मेहंदी वाला आ रहा है, हमारा मेहंदी वाला रहे। ये 2 बार ये बुला के आ गया, 2-3 बार ये बुला के आ गए। कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं, 9:05 हो रहे हैं। इनके भाई साहब जो साथ में थे, ये दूसरा वाले भैया है, कल भैया परसों लगा देना, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, परसों लगा देना। देखो एक और अपॉइंटमेंट आ गई। वो कोई वहां से कुछ चिल्ला रहा है, कोई वहां से चिल्ला रहा है। अरे ये तो शुरू भी नहीं हुई मेरी तो। भैया मेरी बात सुनो, है ना, ये अच्छी चर्चा हो रही है। ये लोग इनका टाइम था कि हम 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हम आराम से अपना आगे का काम करेंगे, रेस्ट करेंगे। मेहंदी अभी शुरू भी नहीं इन लोगों की, ये सब खाली हाथ बैठे हैं। खाना मिला टुकू? अभी नहीं मिला। खाने के सब इंतजार में, ये सोच के खाना नहीं बनाया था कि पहले मेहंदी लगवा लेंगे उसके बाद में खाना बनाएंगे। ना मेहंदी लगी है ना खाना बना है। फाइनली भैया आ गए हैं, इतनी मन्नतें करने के बाद। आज तो भैया के जो नखरे हैं वो अभी भी गेट से वापस जा रहे थे। और एक तो इनके जो साथ में जो फ्रेंड आए, मतलब जो दूसरे वाले भैया हैं, वो तो आए ही नहीं है, उन्हें कोई रास्ते से उठा ले गया। अब इन्होंने कहा तब तक वो नहीं आ रहा तब तक मैं एक हाथ पे शुरू कर देता हूँ। ये अभी 9:20 पर आ रहे हैं, जाने का तो आज इनका कोई टाइम नहीं है। कह रहे थे भैया हमारे तो आराम से 1-2 बजेंगे, है ना। अब ठीक लग रहा है? Yes. ये डर गई थी बहुत ज्यादा, इन्हें लगा था यार 9:30 हो गए, अब मैं किसी पार्लर जाऊंगी सारे पार्लर बंद होंगे, कोई मेहंदी वाले नहीं मिलेंगे और ये भैया हैं कहने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये इंतजार में अपनी बारी के, कब हमारा नंबर आएगा? आएगा मैम, आज ही आएगा नंबर आपका। कब आएगा? अरे मैम टाइम ही टाइम है, अभी बस व्रत स्टार्ट होने में कितना अभी है, 1:40, वो 1:20 है व्रत स्टार्ट होने में। कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम है मैम, अभी 1:20 है, अभी आराम से, अभी है ना 6 बजे आ जाएंगे भैया, 7 बजे हम फ्री हो जाएंगे, 7:30 बजे हम डिनर बनाएंगे और 8-9 बजे तक खा के अपना सो जाएंगे। ये लो, हाँ वैसे बोला तो इन्होंने ही था हर बार, भैया टाइम दूसरा देके जाते हैं, आते दूसरे टाइम पे हैं और हर बार नखरे डबल। तो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद।
कब 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 लगेगी बेटा, कब लगेगी? एक घंटे बाद तो ब्रश शुरू हो जाएगा। हाँ भैया ने एक सजेशन भी दिया अभी, भैया कह रहे थे कि मैम ऐसा करो आप ना कल लगवा लो, कल लग जाएगी। मैं तो नहीं, मैं परसों लगवा लेती ना, कल खाना खा लेती हूँ। हाथों पे पेड़ उगाए जा रहे हैं, बेल लग रही है। बेटा आपके पत्ती बन जाए बहुत, इधर तो बेल बन रही है, पत्ती चंदा। मुझे लग रहा लास्ट में आपको वही ना करना पड़े जो होता है ऐसे करके एक एक हाथ में बीच में बड़ा सा। ओके गाइस गुड नाइट, मैं तो चला सोने क्योंकि यहाँ कोई उम्मीद नहीं है इस काम को खत्म होने में। एक ही बेचारी रोए जा रही है, भैया चलो भैया चलो, वो कह रहे हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं मैम से कि मैम कल लग कल लगवा। अरे तो कल जो मॉर्निंग से स्टार्ट होती है शाम का क्या मतलब है? कल लगवा दीदी कल लगवा, ऐसा तो है नहीं कि अब इनके बाद डायरेक्ट अब अपने घर जाओगे। फाइनली इधर कंप्लीट हो चुकी है मेहंदी, 11:20 पे। ये परेशान आत्मा, चलो भैया लगेगी मैम मेहंदी। 12 बजे से पहले लग जाए तो अच्छी बात है, अभी 11:20 ही तो हो रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। 11:20 हो रहे हैं मैम। थैंक यू भैया, 6 बजे का टाइम देके 7 बजे भी ना आने के ऑफर, उसके बाद अच्छे। फाइनली लग गई है मेहंदी, लगाते थक गए होंगे यार, सॉरी लगवाते लीजिए, जल लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 5:30, ओके हम तैयार हो रहे हैं। उससे पहले मैं आपको अपनी और मेहंदी दोनों की तैयारी दिखाता हूँ। देखिए उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, मैंने किस तरीके से तैयारी की, देखिए हर एक चीज़ उन्होंने इस तरीके से लगाई हुई है। कितने सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, ये मेरा मॉर्निंग का, फिर उसके बाद ये इनका इवनिंग का, हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से लगा के और इस तरीके से रखी हुई है। अब हमारी बारी, ये रखे बस, और ये भी मॉर्निंग के, इवनिंग का कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने अभी। ओह ये इसके साथ। हेलो एवरीवन, ऑल सेट टू गो, स्कूल निकल रहे हैं, रेडी है मैम जी। आज स्कूल में देखा सारे एकदम चमक धमक के आई हैं, हमारी जितने फीमेल स्टाफ है, मेल स्टाफ तो ऐसे आए वो तो अरे ठीक है जैसा भी है, फीमेल स्टाफ एकदम अच्छे से बन के आएंगे। तो चलते हैं स्कूल के बाद मिलेंगे, तक लिए बाय बाय। और कैसा रहा आपका दिन? लग रहा था कि मतलब पूरा दिन कैसे कटेगा, बट नहीं पता नहीं चला, बच्चों के साथ रह के 3 बज गए तो अभी ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है। देख रहे हो ने? अरे क्या कर रहे हो? इनके डिस्कशन फिर शुरू हो गए। कितने बजे? हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, और शाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं मैम की हेल्प कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, और मैम मेरी हेल्प कर रही है सब्जी काटने में, है ना मैम? ऐसे सही है ना? हाँ वैसे मैम ने बोला मुझे भी, सर आप मेरी हेल्प कर दो, मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो बना देता हूँ। चलो नहीं यार इसमें मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मैम बताओ यार थोड़ी सच्चाई बताओ, क्या मैं आपके साथ हेल्प नहीं करा रहा? अभी नहीं करा रहे? अरे मैम अभी कुछ काम दूंगी, उसके बाद अगर आप बनाओ करोगे वो काम तो मैं भी वीडियो बना के सिखाऊंगी। ठीक है तो फिर ठीक है। अच्छा देखिए
ओ वाह आ गया मेरा काम। चलिए ठीक है, इसको छीलने के बाद मिलते हैं बाद में, बाय बाय। आज तो मैम की स्पीड एकदम सुपर फास्ट है, अभी हाँ आज ज़्यादा एनर्जी है। सुबह से मैम ने पानी नहीं पिया है और जो वीडियो बना रहा है उसने भी नहीं पिया है, तो चलो कोई नहीं। एक सब्जी ये बन रही है, दूसरी ये बन रही है, अभी इसकी तैयारी चल रही है कचौड़ी की। रायता बनाने के लिए ये है पुदीना और ये पुदीना हमारे प्लांट्स का। हाँ हमारे प्लांट्स का, बालकनी में जो दिखाए मैंने पहली वीडियो में, उसमें कॉर्नर में एक पॉट है उसमें हमने पुदीना, हमारे पॉट का पुदीना। बज रहे शाम के 5:30, अब देखते हैं कितनी देर में मैम पूरा खाना। गुड इवनिंग, अब बज गए हैं 8 और अब बिल्कुल पीक टाइम है, अब रेडी हैं बिल्कुल हम पूजा के लिए। मैम भी रेडी हो गई हैं, खाना हमारा बन चुका है। अब पूजा करने के बाद हम फिर छत पर जाएंगे, जो चंदा मामा को जल का अर्घ देंगे और उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। तो मेरा तो देख लो नॉर्मल लुक, जो बॉयस आपको पता है इससे ज़्यादा क्या, कुर्ता पैंट। मैम का लुक दिखाते हैं आपको। तो फाइनली खाने की तैयारी हो गई है, जो खीर पहले बन रही थी अब रेडी हो चुकी खीर। बाकी तो सब्जियां मैं शायद दिखा चुका हूँ, बाकी तैयारी इधर चल रही है। बस अब पूरी बच रही है बनाना और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। कचौड़ी भी बनाई है अभी मैम ने, फ्रेंड्स में है। हाँ हमारे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, हमने इनवाइट किया है उनको, जब हमारा व्रत खुल जाएगा उसके बाद हम उनके साथ डिनर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय। जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था चांद, चांद महाराज यानी कि हमारे चंदा मामा निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं पूजा की तैयारी करके, ऊपर चल रहे हैं पूजा करते हैं और फटाफट पूजा करने के बाद जो थोड़ी सी हालत है जल्दी से थोड़ा जल पिएंगे, थक गए ना पूरे दिन, थोड़ा जल लेंगे। चलिए पूरा इंडिया इंतजार कर पाओगे आज तो इस चांद का, बाहर शोर पटाखे फूटने लगे, चांद निकल आया चांद निकल आया। एक चांद से दूसरे चांद का सफर। एक चांद इधर दिया जला रहा है, दूसरा चांद आपको जूम करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ।
दूसरा चांद हो रहा ना एक एक टीम खत्म हुई है, दूसरी टीम आ गई। चलो फाइनली पूजा हो गई, अब हम हो गए फ्री। दोनों ने पूजा कर ली, व्रत खोल लिया, पानी पी लिया, अब खाना खाएंगे, है ना। अभी थोड़ी रिक्वेस्ट हो रही है कि कुछ फोटोज क्लिक कर दी जाए। मुझे पता है वो कुछ नहीं होगी, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, उसके बाद फिर आराम से ड्यूटी पे लग जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हैप्पी करवा चौथ जो शादीशुदा है, बाकी तो जिसको जो समझना है। बाय बाय। हमारे घर गेस्ट आए हैं, हमारे प्यारे से डुगु डॉल भाभी जी। हैप्पी करवा चौथ, कैसा रहा भाभी जी आज का पूरा दिन? बढ़िया रहा। चलो बाय बाय डुग्गू, गुड नाइट। अभी क्या खाओगे गुड्डू? जाके वो गुड्डू कह रहा हूँ डुग्गू सब कुछ खाएगा। कल तो परेशान था बेचारा, मेहंदी नहीं लगी, खाना कब बनेगा? गोलगप्पे, अरे वाह गुड, सही है। चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट भाभी जी। तो ये लग चुकी है हमारी प्लेट, बहुत तेज लगी है भूख, बहुत तेज प्यास भी लग रही है। बस गाइस अब वेट नहीं हो रहा है, अब हम खाना खाते हैं। ओके अब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर रेस्ट करेंगे। तो ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। मैम बाय bye, bye. Not high. Okay, bye bye everyone.